हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आ गए हैं हम आपके साथ घूमने के लिए। तो नीरज ने मुझे बुलाया है आज, मैं अभी स्टूडियो से निकली हूँ आज, क्योंकि आज हमारा फ्री डे है, मेरा सब काम ख़त्म हो चुका है और नीरज ने बोला है कहीं तो जाना है आज वेलागिरी करने। मुझे पक्का पता है उसको जब कहीं जाना होता है ना तभी वो मुझे बुलाता है, वैसे तो उसको कभी याद ही नहीं आती है ना, पूछता वो कि काम हो गया कुछ हो गया कभी नहीं पूछेगा, पर जब कहीं जाना है उसको तब उसको मेरी याद आ जाती है। तो चलो उससे मिलते हैं और देखते हैं कि आज कहाँ वेलागिरी जाने के लिए बोल रहा है वो, वेलागिरी करने के लिए। चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं नीरज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बफर टूर बॉक्स। यार आज मैं थोड़ा सा फ्री था तो सोचा कि चलो आज शॉपिंग कर लेते हैं, इसलिए मैंने ज्योत्सना को भी बुला लिया। हम लोग निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए, थोड़े कपड़े सोचा खरीद लें। यार रेगुलर वही कपड़े पहन कर आपको भी बोर कर रहे थे और हम भी बोर रहे हैं। तो अभी हमारी सवारी निकल पड़ी है कुछ शॉपिंग करने, देखते हैं कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा, लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं क्या लिया। भाई कसम से मज़ा तो आता है ऑटो में घूमने के लिए, लेकिन अभी जो हालत है आप देखिए। मैंने जो आपको दिखाया है कसम से हाईवे पे जो है इतना जाम हो रहा है, इसमें रुकने में जो है ज़रा सी हालत टाइट हो जाती है। मैं तो कई बार सोचता हूँ ये जो भाई लोग हमारे ऑटो चलाते हैं इनकी क्या हालत होती होगी, जो सुबह से निकलते हैं और शाम तक जो है ऑटो चलाते रहते हैं, कुछ भी मौसम हो कैसा भी हो। गाइज आई सैल्यूट शॉपिंग चालू है, बैग में एक ड्रेस मैंने चूज कर ली है और नीरज लेडीज के काउंटर में बोर हो रहा है। गाइस इस स्टूडियो में कलेक्शन जबरदस्त है, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज डिपार्टमेंट में हैं, बहुत बोरियत हो रही है यार। अभी फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। जब नीरज की बारी आएगी ना तब वो खुश हो जाएगा, अभी वो बोर हो रहा है। अभी इसको मैं देखो, आज नीरज ने चूज करने स्टार्ट कर लिए हैं। नीरज पसंद आया है कुछ? इंप्रेसिव लग रहा है ये, एक्चुअली समर कलेक्शन के हिसाब से ले रहे हो अच्छा है। दूसरा कौन सा चूज किया? दूसरा ये चूज किया है विद अ लॉट ऑफ रिवीलिंग होल्स इन इट, बट लाइक दिस हाउ इट इज नो प्रॉब्लम, दिस आल्सो लुक्स कैमरे में उतना जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा बट लुकिंग गुड फॉर मी, इट लुक्स डीसेंट। कैसा दिख रहा है ये? सोच रहा हूँ ले लूँ, थोड़ा सा अलग प्रिंट है, प्लीज बताइएगा जरूर। That was my shopping in Zudio. The collection is good, but मुझे अपने हिसाब से इतना नहीं मिला, जो भी मिला है थोड़ा बहुत आप देख लेंगे जो मैं चेंज कर रहा था उसमें। सेकेंड आउटफिट ठीक है, परफेक्ट है। शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और जूडियो से हो गया आज का। अब देखते हैं कहाँ जाना है, डेकेथलॉन जाना है? नहीं अभी डेकेथलॉन को नहीं लगता है, अभी देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाते हैं हम लोग। सच अ हैवी पैकेज, दोस्तों ये थी हमारी शॉपिंग जूडियो में। एक बात ज़रूर कहूँगा, लेडीज़ के साथ शॉपिंग करना इतने बड़े शोरूम में इज़ नथिंग लेस देन अ कार्डियो। दो घंटे की शॉपिंग के बाद गाइज भूख लग रही है और ज्योत्सना गई हुई अपना खाना लेने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत मज़े आ रहे हैं, करो करो सब करो जल्दी, फिर मेरे को भी करना है। तो दोस्तों देखते हैं नीरज क्या ले रहा है। नीरज तो बस घास फूस ही खाने वाला है, चाइनीज घास फूस और देसी घास फूस खा के मज़ा आने का।
तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बुफे था, हम लोग उड़ीपी में आए आज लंच करने के लिए, और मैं तो शायद 2-3 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे। तो स्वीट डिश में था गुलाब जामुन और दूधी का हलवा, और जो दूधी का हलवा है वो मेरा फेवरेट है और एकदम कम मीठे का है, तो इतना यम्मी है ना। देखो मैंने कितना सारा लिया। सुबह रनिंग डबल कर लेना, नीरज बोल रहा है सुबह रनिंग डबल कर लेना, कोई बात नहीं, हमें मोटा होने में कोई परहेज नहीं। तो चलिए खा लेते हैं इसको पहले। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये दिन से रात कैसे हो गया, हमने बहुत हांडे, हम लोग बहुत तफरी माजी करी, हमने खाना खाया, उसके बाद हमारे को थोड़ा सा काम था वो हमने किया जाके स्टूडियो में अपना। हम लोग लोकेशन देखने के लिए गए आज अपने, जहाँ पे शूट करना है तो ऐसे एक दो स्टूडियोज़ देखने चले गए। हमने सोचा आज फ्री है तो वो भी कर लेते हैं। घूमने और हांडने के बाद हम अब आ गए हैं, हम आ गए हैं पिक्चर देखने केरला स्टूडियो। तो मेरा बहुत मन था इस मूवी को देखने का, तो आज ही लगी है मूवी और आज हम देखने आए हैं, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिलने वाला, फिर हम पूरे वीक बिजी रहने वाले हैं। जी हाँ, और ये इस पिक्चर के बारे में हम लोगों ने अपने रिएक्शन वीडियो में भी इसमें मेंशन किया था। आज हमने कहा पूरी पिक्चर देखते हैं और देखते हैं कि क्या स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल मूवी है ये, तो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर ऐसा। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना पानी ले लिया, नीरज ने भी अपना पानी ले लिया। तो है लेकिन मैं उठता रहता हूँ ना कि ज़्यादा भी मत पियो। तो चलो मूवी स्टार्ट हो चुकी है बट हम थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं। So guys, आज का दिन कुछ अलग ही रहा, बहुत मज़ा आया। सुबह से हम लोग गए, हमने शॉपिंग करी, शॉपिंग करने के बाद लंच भी बाहर ही किया, उसके काम भी किया, फिर थोड़ा बहुत काम के लिए निकले, स्टूडियोज वगैरह देख के आए, अपने नए क्रिएटिव रहा आज, बहुत प्रोडक्टिव डे था हमारा कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद फाइनली हमने जाके मूवी देखी द केरला स्टोरी। गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल मूवी थी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा उस मूवी के बारे में, बट अभी टाइम आ गया है वाइंड अप करने का। जाने से पहले आपको भी बाय, नीरज को बाय बोल और ज्योत्सना को भी मैं बाय बोलता हूँ, सीधे घर जाइएगा, इधर उधर मत भटकिएगा। बट जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी को ऐसे इन्जॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है, ज़िंदगी छोटी सी है, इसलिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।